Hello students, today we will discuss about flexible exchange rate system. हमने कल discuss किया था foreign exchange rate and types of foreign exchange, जिसमें हमने केवल एक ही types explain किया था, fixed exchange rate system. But आज हम second types, flexible exchange rate system को explain करेंगे यहाँ पर. तो flexible exchange rate system, what is the meaning of flexible exchange rate system? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम विच इज फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्स. आप साथ साथ इनकी जब भी वीडियो देखते हो तो साथ साथ इसकी डेफिनेशंस भी लिखनी है, जो मैंने यहाँ पर राइट नहीं की है वो आपको लिखनी है. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में रेफर्स टू द सिस्टम विच इज फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्स, जो किसके थ्रू फिक्स किया जाता है, मार्केट फोर्स. मार्केट फोर्स कैसे फिक्स करती है, थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई. किसके थ्रू, थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई. हियर देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, यहां गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती कि व्हाट विल बी द फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा. इसको फिक्स करने वाली केवल कौन होती है, मार्केट फोर्स. और किसके थ्रू करती है, थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई. तो थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई. अब आपने यहां से हम जाते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे लास्ट चैप्टर था हमारा क्या, कि मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि मार्केट प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. सेम एज इट इज ही यहां पर भी फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई. So the exchange rate at which demand for foreign currency is equal to the supply is called par rate of exchange. It means जहां पर market demand is equal to market supply, जहां ये दोनों बराबर हैं वो क्या कहलाता है हमारा, par rate of exchange. क्या कहलाएगा, par rate of exchange. या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज. इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज ये फिक्स किया जाता है. अब है डिमांड एंड सप्लाई. तो वाय डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते क्यों हैं, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कैसे होती है वो पढ़ने वाले हैं. अब है कि वाय डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों की जाती है. तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों की जाएगी, सबसे पहले है फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री. जब भी हमारी कंट्री फॉरेन कंट्री से क्या कराती है, गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट कराती है. देखो इंपोर्ट कराए इट मीन्स हमने वहां से परचेज किया, परचेज किया तो पेमेंट भी किस में करनी होगी, फॉरेन करेंसी. तो जब पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी होगी तो हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे. तो डिमांड किस लिए की जाती है, फर्स्टली इंपोर्टेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करने के लिए डिमांड की जाती है. सेकेंड है टू अंडरटेक फॉरन टूर. अगर आप क्या करते हो, फॉरन टूर पर जाते हो, आप फॉरन टूर कर रहे हो. फॉरन टूर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घूमने जा रहे हो, स्टडी पर्पज से जा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट्स कराने के पर्पज से जा रहे हो, आप वहां पर किसी अदर पर्पज से आप जा रहे हो, रिलेटिव से मिलने आप वहां पर जा रहे हो. तो आपको सबसे पहले क्या कराना होगा, रुपीज को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा. तो आप पहले डिमांड, देखो आपने रुपीज को कन्वर्ट करा, लेकिन आपने डिमांड तो की किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की आपने यहाँ पर डिमांड की. फिर है परचेज एसेट्स इन फॉरेन कंट्री. फॉरेन कंट्री से क्या करनी है, आपको एसेट्स परचेज करनी है, कोई भी मशीनरी मंगानी है, इक्विपमेंट्स मंगाने हैं, कोई एसेट्स आपको मंगानी है. तो सबसे पहले आपको डिमांड करनी हो किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की. अगर आपको अमेरिका से कुछ मंगाना है तो यूएस डॉलर की आपको क्या करनी होगी, डिमांड करनी होगी. फिर है फॉर मेकिंग यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड. फॉर मेकिंग यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल मींस वन साइडेड ट्रांसफर्स. क्या होती है ये, वन साइडेड ट्रांसफर. इट मींस केवल एक तरफा ही ट्रांसफर्स होता है, इसमें दोनों तरफा नहीं होता. मतलब कि आपको अपने आपका कोई रिलेटिव वहां पर रह रहा है, आप रिलेटिव को क्या भेज रहे हो, गिफ्ट भेज रहे हो. तो गिफ्ट
कोई भी गिफ्ट आप भेजते हो या चैरिटी कर रहे हो या डोनेशंस आप कर रहे हो, वो किसके अंदर आता है? यूनिलैटरल ट्रांसफर। ऐसा तो नहीं है कि आपने वहां चैरिटी की, डोनेशंस किया, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि बाहर से भी कुछ आने वाला है। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। वो कैसे ट्रांसफर होती है? वन साइडेड ट्रांसफर, जिसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो आप डिमांड किसकी करोगे? फॉरन एक्सचेंज की डिमांड करोगे। किसकी डिमांड करोगे? फॉरन एक्सचेंज। फिर है नेक्स्ट, व्हेन पीपल वांट्स टू मेक गेन फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। जब भी लोग क्या वांट्स रखते हैं कि करेंसी क्या होने वाली है, एप्रिशिएट होने वाली है, जिससे उन्हें क्या मिल जाएगा? गेन, प्रॉफिट हो जाएगा। तब भी किस चीज की डिमांड की जाएगी? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाएगी। तो पीपल्स डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉर स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग, ये बोल सकते हैं डिमांड फॉर स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। कैसे? जैसे कि अभी एक डॉलर है, कितने रुपीस का है? वो ₹60 का है। हमने ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो डॉलर है, डॉलर के जो प्राइजेस हैं वो कितने हो जाएंगे? ₹65। कितने हो जाएंगे? 65। तो उस कंडीशंस में वो क्या करेंगे? सेल कर देंगे। किसको? डॉलर को। तो क्या कमा लेंगे? प्रॉफिट। इट मीन्स डॉलर अभी कैसा है? लेस कॉस्टली, सस्ता है। पीछे क्या होने वाला है? कॉस्टली होने वाला है। तो उस टाइम किसी दूसरी कंट्री को, किसी अदर के साथ, लाइक आरबीआई को सेल कर दिया, गवर्नमेंट को सेल कर दिया, तो लोग उससे क्या कमा सकते हैं? प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस प्रॉफिट के पर्पज से भी लोग किसकी डिमांड करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज की। इसमें शॉर्ट बोलते हैं फॉर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। फिर है नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। किसकी? इंटरनेशनल लोन कि क्या लिया हुआ है कंट्री ने? किसी दूसरी कंट्री से लोन लिया हुआ है। लोन लिया हुआ तो उसकी पेमेंट करनी है, तो पेमेंट किस में की जाएगी? फॉरेन एक्सचेंज में की जाएगी, फॉरेन करेंसी में की जाएगी। जब आपने वहां से लोन लिया इन रुपीज, तो आपका क्या, आपकी लाइबिलिटी क्या बनती है? क्या आप लाइबिलिटी आपकी ये बनती है कि आप किस में पेमेंट करो? इन फॉरेन एक्सचेंज, जो उस कंट्री की करेंसी है उसी के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। तो आप किसकी डिमांड करोगे? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करोगे। फिर है इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज का? बिजनेस एक्टिविटी का। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस एक्टिविटी कैन नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए यहाँ के जो पीपल्स हैं ना, रेजिडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं? दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट किसी भी पर्पज से हो सकता है। हम ये कहें कि इन प्रोडक्टिव पर्पज भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के टू टाइप्स मैंने बताए हुए हैं आपको। टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है एफडीआई, को होता है एफआईआई। या तो प्रोडक्शन पर्पज से किया जाए, या फिर वो कहीं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया जाए। तो आप किसकी डिमांड करोगे? फॉरेन एक्सचेंज की। जैसे कि यूएस डॉलर्स आर नीडेड इफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड इन यूएसए। यदि यूएसए में आप क्या करना चाहते हो? इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किसकी डिमांड करोगे? आप यूएस डॉलर की डिमांड करोगे। दैट इज क्लियर कि आप डिमांड क्यों कर रहे हो। अब है हमारा नेक्स्ट कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, अब है नेक्स्ट हमारा राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड होती है वो राइज होती है। क्यों राइज होती है? हम क्यों डिमांड ज्यादा से ज्यादा करते हैं? क्या रीजन है? जिसमें हम एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि डिमांड हम ज्यादा क्यों करते हैं। देखो, डिमांड हम ज्यादा कब करेंगे? फर्स्ट जो रीजन है वो है इम्पोर्ट्स बिकम चीपर्स। जब हमें ये लगे जो हम इम्पोर्ट्स कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, वो क्या हो चुका है? चीपर। इट मीन्स सस्ता हो चुका है। जब इंपोर्ट सस्ता हो गया है, तो हम क्या करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे, डॉलर की डिमांड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 1 US डॉलर पहले कितने का था? ₹62, एंड अब क्या है? ₹60। इट मीन्स फर्स्टली वी पे ₹62 फॉर परचेजिंग 1 US डॉलर। नाउ वी पे ओनली ₹60 फॉर परचेजिंग 1 US डॉलर। इट मीन्स इंपोर्टेड गुड्स बिकम चीपर फॉर इंडियंस। इंडियंस के लिए क्या हो गया? ये चीपेस्ट हो गया, सस्ता हो गया। कि हम देखो, एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी गुड्स है इंडिया में, वो गुड्स कितने बनाया जा रहा है? ₹4, ₹10,000। अब वही गुड्स, सेम गुड्स है, सेम क्वालिटी का गुड्स, अगर हम बाहर से क्या कर रहे हैं, उसको इंपोर्ट करा रहे हैं, वो हमें कितने में मिल रहा है वहां से? 8,000 विद ऑल ड्यूटीज। तो हमें फायदा कहाँ से है? दूसरी कंट्री से मंगाए, तो बेनिफिट कहाँ से है दूसरी कंट्री से? तो हम क्या, इट मीन्स वो कैसे इंपोर्ट गुड्स हमारे लिए चीपेस्ट? तो हम डिमांड किसकी करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज। क्यों? वहां से देखो, 8,000 का गुड्स आपने मंगाया भी है, लेकिन पेमेंट तो आपको किसमें करनी होगी? इन US डॉलर ही पेमेंट करनी होगी। सेकेंड,
एज अ टूरिज्म आप क्या कर रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, फॉरेन में घूमने जा रहे हो, फॉर स्टडी पर्पस है, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स है, किसी भी पर्पस से आप वहां पर जा रहे हो, तो सबसे पहले डिमांड किसी करोगे फॉरेन एक्सचेंज, तो डिमांड बढ़ेगी, क्या होगी उसकी, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड राइज होगी। फिर या फिर आप क्या कर रहे हो, आप एक ट्रेड करते हो स्पेकुलेटिव ट्रेड, जिसमें आप क्या लगाते हो, सट्टा लगाते हो कि आपको क्या करना है, ट्रेड करना है, गेन कमाना है, गेन करना है, तो जब फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही डाउन होगा आप ज्यादा से ज्यादा डॉलर को परचेज करोगे, और फिर डॉलर को सेल करना कब स्टार्ट करोगे, जैसे उसके प्राइसेस क्या होंगे, हाई होंगे, आप उसको सेल करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये थ्री जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है किसके, फॉर राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फिर है फॉल इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेम इसका अपोजिट, सेम इसका अपोजिट हो जाएगा कि जो डिमांड है वो इसकी क्या होगी, फॉल कब होती है। अब है कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कैसे डिटरमाइन होती है, कैसे डिमांड कर बनता है, तो आपको सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह ही इसको डिफाइन करना, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में था डिमांड क्या होती थी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स, डिमांड एंड प्राइस हैव इनवर्स रिलेशंस, तो यहाँ सेम है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स, अदर थिंग्स सारी कैसी रहनी है, कॉन्स्टेंट रहनी है, डिमांड फॉर फॉरन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरन एक्सचेंज, जो डिमांड है फॉरन एक्सचेंज की वो फॉरन एक्सचेंज की प्राइजेस के साथ कैसा रिलेशन रखती है, इनवर्स, इनवर्स का मीन्स है इफ फॉरन एक्सचेंज रेट राइज तो डिमांड फॉर फॉरन एक्सचेंज फॉल, इफ फॉरन एक्सचेंज रेट इज फॉल तो डिमांड इज राइज, इट मीन्स यहां पर दोनों में कैसा रिलेशंस हो गया, इनवर्सली रिलेशंस, कैसा रिलेशंस है, इनवर्सली रिलेशंस। अब हम इसको थ्रू द डायग्राम समझते हैं, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्या लिया है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ओ वाई एक्सिस पर क्या है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या फिर इस रेट को आप क्या बोल सकते हो, प्राइसेस भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं आप रेट लिखो, क्या बोल सकते हो, प्राइसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो फर्स्टली आर क्या थी आपका, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है यहाँ पर, और उस टाइम कितने की डिमांड हो रही थी, ओ क्यू क्वांटिटी की डिमांड कितनी थी, ओ क्यू क्वांटिटी, ओ आर पर, वेन ओ आर रेट ऑफ एक्सचेंज तो पीपल्स डिमांडेड ओ क्यू क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, राइज हो गया आर टू आर वन, आर से आर वन राइज हुआ है तो डिमांड बिकम फॉल, डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाए, डिमांड विल बी फॉल ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज के प्राइजेस क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए, जिससे डिमांड क्या हो गई, फॉल हो गई। वही इसका नेक्स्ट रिवर्स कि इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट विल फॉल, यदि क्या होंगे वो फॉल होंगे तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल राइज, डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। तो ये सेम हमारा कैसा है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हम ये डिमांड कर्व पढ़ चुके हैं, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होगा, इनवर्स, नेगेटिव स्लोप, कैसा स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप, ये क्लियर हो गया। देखो तो यहां पर आर पर ओ क्यू क्वांटिटी की डिमांड की, जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हुआ, राइज हुआ, तो डिमांड क्या हो गई, ओ क्यू वन, फॉल हो गई। वही यहां पर जब फॉरेन एक्सचेंज क्या हुआ हमारा, फॉल हुआ, तो डिमांड क्या हो गई यहाँ पर, राइज हो गई, ओ क्यू टू। तो स्टूडेंट्स हम आज यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं, तो जहां भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज